तो दोस्तों ये है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का, आप देख सकते हो। और ये नज़ारा है चर्च गेट स्टेशन के बाहर का, आपको देखने को मिलेगा। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आज के एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल। ताज होटल जो है यहाँ से मतलब चर्च गेट से थोड़ा सा दूर है, हम अभी चर्च गेट में हैं। तो यहाँ से भी मतलब 10 मिनट का रास्ता है जो कि हम पैदल ही जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है दोस्तों? और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए अभी चलते हैं, है ना? आपको पूरा दिखाएंगे और पूरा देखना है। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं मुंबई का सबसे फेमस जगह जो है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो पूरा, ये देखिए कितनी भीड़ है वो आप देख सकते हो। यहाँ मतलब फोटोग्राफर्स लोग मतलब ऐसे ही आए, तो बोले फ़ोटो खिंचाओगे ऐसा पूरा बोलने लगे। तो आप देख सकते हो पूरा, आप यहाँ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। तो काफ़ी मतलब भीड़ होती है यहाँ, आप आइए कभी भी घूम सकते हो। शाम के टाइम में मतलब ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ, आकर घूमते हैं, बैठते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, जिसको भी जो करना हो। और बहुत बेहतरीन लगता है देखने में, तो आप देख सकते हो। और आपको बताना आपको कैसा लगा, बिल्कुल आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। और पूरा वीडियो को सपोर्ट करना है ना, भाई को पूरा सपोर्ट करना है, तभी होगा ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुंबई का ताज होटल जो कि मुंबई की शान है दोस्तों, तो जैसा आप लोग पता ही है मुंबई की शान है ताज होटल। इस होटल के वजह से मुंबई की शान है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। और इस समुद्र के पास ही है, तो समुद्र के पास काफ़ी सारे बोट्स वगैरह हैं जो कि वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, वही आप देख पाओगे। तो चलिए अभी देखते हैं।